महाराष्ट्र में 10 सीटों पर अजीत पवार गुट ने दावा ठोका, सामने आई संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट ने राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों पर से 10 सीट न दावा ठोका है। अजीत पवार एनडीए से जो सीटें मांग रहे हैं उसकी जानकारी भी सामने आई है। मेरी जानकारी के अनुसार बारामती, सतारा, रायगढ़, शिरूर पर अजीत पवार गुट के एनसीपी अपना दावा मजबूती से पेश की है। इसके अलावा वह परभणी, मुंबई, नॉर्थ ईस्ट, नासिक, दिंडोरी, गढ़चिरौली और भंडारा गोंदिया लोकसभा अपने हिस्से में चाहती है। बहन के खिलाफ उतार सकते हैं पत्नी को। बता दें कि बारामती से सुप्रिया सुले सांसद है, जो कि शरद पवार की बेटी है। सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार हो सकती हैं। श्रीनिवास पाटिल सतारा से सांसद है, उनके खिलाफ अजीत पवार नितिन पाटिल को उम्मीदवार बना सकते हैं। ये है संभावित उम्मीदवार। रायगढ़ से सुनील तटकरे सांसद है। अजीत पवार गुट इन्हें सीट से एक बार फिर से मौका दे सकते हैं। वे शिरूर से शिवाजी राव, अड़ल राव पाटिल टिकट मिलने की स्थिति में अजीत गुट के साथ आने के लिए इच्छुक है। अजीत पवार ने मुंबई, नॉर्थ ईस्ट या नासिक सीट में से कोई एक सीट समीर भुजबल के लिए मांगी है, जहां पर राष्ट्रवादी का सांसद नहीं लेकिन एनसीपी कभी ताकत रही है। यहां प्रभाव है, वहां पर अजीत पवार गुट चुनाव लड़ना चाह रहा है। ये नेता भी जता रहे हैं दावेदारी। परभणी से राजेश विटेकर को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट समीर भुजबल से पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। दिंडोरी से नरहरि झिरवाल टिकट के लिए इच्छुक है। गढ़चिरौली से अजीत पवार गुट के मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम के लिए अजीत पवार इस सीट पर दावा कर रहे हैं। भंडारा गोंदिया से बीजेपी के सुनील मेढ़े सांसद हैं। अजीत पवार पर यह सीट प्रफुल्ल पटेल के लिए चाहते हैं। 2009 में प्रफुल्ल पटेल इस लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं।